फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस मामले में सपा नेता आजम खान, पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद बीते दिन आजम खान और अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से हटाकर दूसरी जेलों में शिफ्ट किया गया था। आजम को सीतापुर तो अब्दुल्ला को हरदोई जिला जेल भेजा गया, जहां हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मिलने उनके मौसा मौसी पहुंचे। क्या कुछ कहा उन्होंने, पूरी खबर रिपोर्ट में देखिए। दरअसल हरदोई के बील ग्राम में आजम खान की ससुराल और अब्दुल्ला आजम का ननिहाल है। इसके अलावा हरदोई शहर में अब्दुल्ला की मौसी का भी घर है। सोमवार को हरदोई जेल में अब्दुल्ला से मुलाकात करने उनके मौसा और मौसी पहुंचे। दोनों काफी देर तक जेल के अंदर रहे। रिश्तेदारों के अलावा अब्दुल्ला आजम से मिलने के लिए सपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, लेकिन जेल मैनुअल का हवाला देकर जेल अधीक्षक ने बाकियों को रोक दिया। सुनिए क्या कुछ कहा इस पर सपा नेता ने। लेकिन जिस हिसाब से जेल साहब की बात से लगता था कि प्रशासन की मनसा ही परेशान कर रहे, जबकि हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को मिलने दिया जाए। अरे हमने कहा आप एक दो को ही मिलने लेते, लेकिन उन्होंने कहा हम मिलने का मौका आपको नहीं देते। तो सुना आपने, सपा नेता का प्रशासन पर यह आरोप है कि मैनुअल का हवाला देकर जेल अधीक्षक ने उन्हें रोक दिया। केवल अब्दुल्ला आजम के मौसी और मौसा को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम के मौसा मौसी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बताया कि घबराना मत, मतलब कुछ दिन तो सभी के आते हैं, आजकल बुरा वक्त चल रहा है, ये भी कट जाएगा। बहरहाल आपकी इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीके न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।